तो वहीं कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे भौती पर सोमवार को हुए भीषण सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के 4 छात्र समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। अब जांच में सामने आया कि पिछले 26 साल से ये जगह ब्लैक स्पॉट के रूप में घोषित हो चुकी है। इसके बाद भी NHAI, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने कोई सुधार नहीं किया है। कानपुर में सड़क हादसा, हादसे का जिम्मेदार कौन? कानपुर दिल्ली हाईवे पर हादसे की यह तस्वीर 4 दिन पुरानी है। 14 अक्टूबर को एलिवेटेड रोड से उतर रहे डंपर ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद डंपर के पीछे चल रही कार उसमें घुस गई और पीछे से आ रही ट्रॉली ने इतनी जोर टक्कर मारी कि दो ट्रकों के बीच कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में कार सवार इंजीनियरिंग के 4 छात्रों और कार चालक की मौत हो गई। पर इस जगह पर हादसे की ये कोई पहली घटना नहीं थी। मामले की जांच चली तो चौंकाने वाले खुलासे हुए, क्योंकि यहाँ पिछले 26 सालों से हादसे हो रहे हैं और जिम्मेदार हर हादसे के बाद आंखें मूंद कर बैठ जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 26 साल पहले ही जगह को ब्लैक स्पॉट घोषित कर दिया गया था। साल 1998 से इस साल 14 अक्टूबर तक यहाँ एक के बाद एक 294 हादसे हो चुके हैं। इतना ही नहीं, इन हादसों में 195 लोगों की मौत भी हुई है। इसके बावजूद वहाँ ना तो कोई सुरक्षा इंतजाम है और ना ही कोई अलग से साइन बोर्ड ही लगाया गया है ताकि ट्रैफिक अलर्ट हो सके। इस हादसे की पड़ताल शुरू हुई तो बहुत ही चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। दरअसल ये हादसा उस जगह पर हुआ जिसे ब्लैक स्पॉट घोषित किया जा चुका था। यह जगह कई सालों से ब्लैक स्पॉट घोषित है और यहीं पर हादसा हुआ और हादसे में 5 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कानपुर दिल्ली नेशनल हाईवे के भौती पर हादसा हुआ था जिसमें इंजीनियरिंग छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हुई थी। आपको बता दें कि 26 सालों से यह स्थान ब्लैक स्पॉट घोषित है। इसके बाद भी NHAI, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन ने यहाँ पर कोई सुधार नहीं किया है। 1998 से इस साल 14 अक्टूबर तक यहाँ पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ 294 हादसे हुए हैं और इनमें 195 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। फिर भी अफसर सोते रहे और अब हादसे के बाद एक बार फिर से जांच पड़ताल का सिलसिला शुरू हो गया है। कहा जा रहा है कि एलिवेटेड रोड से उतर रहे डंपर ने अचानक ब्रेक लगाया तो उसमें कार जाकर घुस गई और पीछे से आ रहे ट्राला ने इतनी ज़ोरदार टक्कर मारी कि दोनों ट्रकों के बीच कार के परखच्चे उड़ गए थे और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। जांच में ये पता चला कि यहाँ ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है। इसके बाद भी यहाँ पर कोई साइन बोर्ड नहीं लगा है और सुरक्षा का कोई भी इंतज़ाम नहीं किया गया है। इस पूरे हादसे के पीछे अफसरों की लापरवाही को जिम्मेदार माना जा रहा है। हाईवे की निगरानी के लिए NHAI, ट्रैफिक पुलिस और जिला प्रशासन की टीम है, पर इतनी घटनाओं के बाद भी किसी ने इसमें सुधार की कोई भी जहमत नहीं उठाई। जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आया है कि जिस जगह भौती एलिवेटेड रोड उतरता है वही एलिवेटेड मार्ग की वाला भी खत्म हो जाती है। एलिवेटेड मार्ग की सर्विस लेन से आने वाला ट्रैफिक भी स्पीड से हाईवे की मेन लेन पर चढ़ता है, जिसकी वजह से ढलान से उतरने वाले वाहन कई बार अचानक ब्रेक लगाते हैं। इस वजह से पीछे से आने वाले वाहन भिड़ जाते हैं। भौती के पास एलिवेटेड रोड की ढलान से आगे 200 मीटर तक ब्लैक स्पॉट है। हालांकि DCP वेस्ट दावा कर रहे हैं कि हादसे ना हो सके इसके लिए लोगों को लगातार जागरूक किया जाता है। देखिए, ट्रैफिक के संबंध में अवेयरनेस का अभियान हमेशा चलाया जाता रहता है और शासन के द्वारा भी इसमें अभियान चलाया जाता है और यहाँ लोकल तौर पे भी अगर देखा जाए तो CP साहब द्वारा जो है हमेशा इस पर अभियान चलाया जाता है और हम लोग एक्सीडेंट न हो, जनहानि न हो, इसके लिए हम लोग हमेशा जागरूक और संवेदनशील रहते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश चालक की गड़बड़ी से कभी गाड़ी में कोई डिफॉल्ट हो गया, उसके चक्कर में एक्सीडेंट हो जाता है, जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहता है और इसके लिए हम लोग सजग हैं और इस पर हम लोग कुछ न कुछ करने की कोशिश फिर करेंगे कि घटनाएं रोकी जाए। सवाल यह है कि अगर जागरूकता अभियान चल रहा होता, अफसर जिम्मेदारी निभा रहे होते तो शायद
26 साल पुराने इस ब्लैक स्पॉट पर भी उनकी नजर जाती और इतनी घटनाओं के बाद भी प्रशासन अगर आंखें मूंदे बैठे रहे तो सवाल उठना भी लाजमी है। ये एक ब्लैक स्पॉट नहीं है, इस हाईवे पर ऐसे 17 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं जहां पर अक्सर हादसे होते रहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई साइन बोर्ड तक नहीं लगाया गया है कि जिस पर लिखा हो कि यहां पर अधिक हादसे होते हैं, संभल कर चलिए। इसके अलावा हादसों से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं किए गए, केवल इसे ब्लैक स्पॉट घोषित करके अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया गया। वीडियो निज अमित सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर।